CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम मैत्रेयी। मैत्रेयी, मैत्रेयी का शाब्दिक अर्थ है जो मित्र रूपी हो। मैत्रेयी ने अपनी विद्वता से न केवल स्त्री जाति का मान बढ़ाया, बल्कि उन्होंने ये भी सच साबित कर दिखाया कि स्त्री भी परम ज्ञानी हो सकती है। आज हमारे देश में स्त्री शिक्षा का बहुत महत्व है, परंतु वैदिक काल में भी विश्ववारा, लोपामुद्रा, घोषा, इंद्राणी, देवयानी जैसी अनेक विदुषियों ने वेदों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सभी ब्रह्मज्ञानी थीं। मैत्रेयी का पूरा नाम सुलभा मैत्रेयी था। इन्होंने ऋग्वेद की लगभग 10 ऋचाओं को रचा है। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने ये परम ज्ञान कैसे प्राप्त किया। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया। मैत्रेयी जी, कात्यायनी जी, आज मैं तुम दोनों से अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है महर्षि, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। स्वामी, कई दिनों से आपकी आंखों में मैं अजीब सी व्याकुलता देख रही हूं। तुमने ठीक जाना कात्यायनी। सुनो मैत्री जी, मैं अब गृहस्थ आश्रम से सन्यास आश्रम में जाना चाहता हूं। क्या? तुम दोनों की अनुमति चाहता हूं मैं। नहीं नहीं स्वामी, मुझे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना ही होगा। ज्ञान कभी सीमित नहीं होता। मुझे और ज्ञान प्राप्ति के लिए सन्यास लेना ही होगा, मैंने निश्चय कर लिया है। जाने से पहले मैं तुम दोनों में अपनी संपत्ति बराबर बांटकर जाना चाहता हूं। नहीं नहीं स्वामी, संपत्ति? परंतु ऐसा क्यों? मैं जानता हूं तुम दोनों बहुत ही प्रेम से रहती हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी दोनों पत्नियों में किसी प्रकार का आपसी विवाद हो। परंतु स्वामी, मुझे तो सांसारिक वस्तुओं और भौतिक सुखों के प्रति लेश मात्र भी मोह नहीं है। मेरी संपत्ति तो अपने स्वामी का आध्यात्मिक ज्ञान ही है। मैं तो केवल वही चाहूंगी। ये संभव नहीं है मैत्री। स्वामी, आप स्वयं मुझे बताइए, क्या आप साक्षात स्वर्णमय पृथ्वी प्राप्त होने पर भी अमरत्व प्राप्त हो सकता है? नहीं मैत्री, भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्य का जैसा जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। क्योंकि धन संपत्ति से अमर जीवन की आशा नहीं की जा सकती। तो स्वामी, ये मेरे किस काम की? जिस संपत्ति से मुझे अमरता प्राप्त नहीं होगी, वो मेरे लिए व्यर्थ है। स्वामी, मैं भी वन में जाऊंगी और आपके साथ मिलकर ज्ञान और अमरत्व की खोज करूंगी। मैं समझ गई बहन, परंतु पति की हर संपत्ति पर हम दोनों का बराबर का अधिकार है। तो तुम उनके भौतिक धन से और मैं उनके दिव्य ज्ञान से क्यों वंचित रह जाए? कात्यायनी, कात्यायनी, मैं तुमसे एक त्याग मांगती हूँ। तुम कुछ समय के लिए ज्ञान की इच्छा त्याग कर स्वामी के धन संपत्ति के संरक्षक के रूप में रहो, और मैं उनके साथ तपस्या और ज्ञान प्राप्ति के लिए फन की ओर जाती हूँ।
बहन, शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे और मैं अपना ज्ञान रूपी धन तुम्हारे साथ साझा करूंगी। इस तरह कात्यायनी को ऋषि की सारी संपत्ति मिल गई और मैत्रेयी अपने पति की विचार संपदा की स्वामिनी बन गई। आज वन में ऋषियों के बीच ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का साधना से प्राप्त हुए ज्ञान पर विचार विमर्श चल रहा है। अरे सुनो सुनो, याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं? स्वामी, एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ, कृपया मुझे बताएं, अमरत्व या अमर जीवन का साधन क्या है? इतने गूढ़ प्रश्न से वार्ता प्रारंभ की। मैत्री, तुम धन्य हो। ऐसा प्रश्न तो कोई महान ज्ञानी ही पूछ सकता है। मैं तुम्हारे लिए उस अमरत्व की व्याख्या करूंगा। मैं सुनने के लिए आतुर हूँ। इस जगत में प्रियतम केवल आत्मा ही है और इस आत्मा के लिए संसार की सभी वस्तुएं तथा सभी रिश्ते नाते प्रिय होते हैं। इसका अर्थ सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते? सब कुछ अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रिय होता है? मैत्रेयी, स्वयं से प्रेम के कारण पति पत्नी से प्रेम करता है। उचित। और पत्नी भी अपनी आत्मा से प्रेम के कारण पति से प्रेम करती है। जी। माता पिता का अपनी संतान से प्रेम भी इसी प्रकार से अपनी ही आत्मा से प्रेम है। ये आत्मा ही देखने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान किए जाने योग्य है, क्योंकि इसी से सबको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। हे मैत्री, इस प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, सूत्र, मंत्र आदि हैं, वे सभी इस महा आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। सत्य वचन। ओ ओ मैत्रेयी श्रेष्ठ नारी के रूप में विख्यात हुई। उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया, वो ब्रह्मवादिनी कहलाई और नारी से नारायणी हो गई। आज वो हर नारी के लिए आदर्श बन गई हैं। उन्होंने महर्षि से ज्ञान प्राप्त करके मैत्रेयी उपनिषद लिखा, जिसमें वो लिखती हैं, मस्तिष्क ही संसार है, हमें इसे शुद्ध करना चाहिए। मस्तिष्क ही हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शन कराता है और संसार के सभी रहस्यों को खोल देता है। मैत्रेयी जी के नाम पर भारत में कई स्कूल, कॉलेज और आश्रम हैं।
जो इन्हीं के नाम से सम्मानित होते हैं। विदुषी मैत्रेयी को हम सब का कोटि कोटि नमन। ऐसी ब्रह्मवादिनी विदुषी ज्ञान पिपासु को हम सबका हाथ जोड़कर प्रणाम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैत्रेयी। मीडिया समन्वय राजेश निमेश, भाषा परामर्श प्रोफेसर केसी त्रिपाठी, भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली, निर्माण परामर्श अजीत थोरो और वंदना अरिमर्दन, कलाकार अश्विनी वालिया, सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, परवेज गौहर, मुइनुल हसन, सुनील लोहिया, सादिया रहमान और मेघा, आलेख सुधापुरी, ध्वनियंकन बटिलेंग लिंडो, शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण प्रभारी वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना, ध्वनि संपादन निर्माण और निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।